हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीक्षा इज लर्निंग लैब और मैं हूं आपकी फॉरेंसिक एजुकेटर दीक्षा शर्मा। आज की वीडियो में हम यूके PSC एग्जामिनेशन के MCQs डिस्कस कर रहे हैं बायोलॉजी डिवीजन के लिए। हमने प्रीवियस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के MCQs डिस्कस करे हैं फ्रॉम बायोलॉजी डिवीजन। आपको वो वीडियोज मिलेंगे UK PSC बायोलॉजी डिवीजन के प्ले लिस्ट में, सो उस प्ले लिस्ट को देखना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू माइक्रो बायोलॉजी फ्रॉम बायोलॉजी डिवीजन सिलेबस ऑफ UK PSC। ठीक है, सो आपके स्क्रीन पे जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है अल्ट्रास्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोब्स से। ठीक है, बैक्टीरिया एंड वायरसेस के अल्ट्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड MCQs आपको स्क्रीन पे देखने को मिलेंगे, जो कि बायोलॉजी के अंदर, माइक्रो बायोलॉजी के अंदर आता है। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया? हर बैक्टीरिया में कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो प्रेजेंट रहता ही रहता है? सो वी हैव न्यूक्लियस, सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सेल वॉल। सेल वॉल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि हर एक बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, मतलब बैक्टीरिया स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है सेल वॉल। ठीक है, जरूरी नहीं न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, जरूरी नहीं माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट हो, जरूरी नहीं क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो। जो बैक्टीरिया, जो सिंपल फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया होते हैं उनमें हो सकता है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सारे सेल ऑर्गेनल्स ना प्रेजेंट हो, बट सेल वॉल हमेशा 100% प्रेजेंट होती ही है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। अब बताओ ये जो बैक्टीरियल सेल वॉल है, क्योंकि सेल वॉल हर एक बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, चाहे वो कोई भी बैक्टीरिया हो, अब ये बना किससे होता है? सेल वॉल किससे कंपोज्ड होता है? सो सेल्यूलोज, पेप्टिडोग्लाइकन्स, काइटिन्स एंड लाइपोपॉलीसेकेराइड। सो इसका करेक्ट आंसर है पेप्टिडोग्लाइकन्स। सो पेप्टिडोग्लाइकन्स आर द करेक्ट ऑप्शन। पेप्टिडोग्लाइकन्स से ही सेल वॉल बनी होती है बैक्टीरिया में। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या पूछ रहा है? द फंक्शन ऑफ बैक्टीरियल फ्लैजेला इज। ठीक है, फ्लैजेला और सीलिया प्रेजेंट होते हैं फॉर द मूवमेंट इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बट बैक्टीरिया फ्लैजेला का फंक्शन क्या है? जैसे मैंने बोला, फ्लैजेला और सीलिया ये दोनों ही मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, मूवमेंट। चाहे वो फ्लैजेला हो, चाहे वो सीलिया हो। सीलिया फ्लैजेला में डिफरेंस क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, ये एक बैक्टीरिया है, अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, एक भी प्रेजेंट हो सकता है एंड मल्टीपल फ्लैजेलाज भी प्रेजेंट हो सकते हैं। सो फ्लैजेला इसे कहते हैं फ्लैजेला। और कई सारे ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें ऐसे छोटे 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 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, इन्हें हम कहते हैं सीलिया। सीलिया भी मूवमेंट के लिए होता है, फ्लैजेला भी मूवमेंट के लिए होता है। सो दिस इज फ्लैजेला एंड दिस इज सीलिया। ठीक है, दोनों मूवमेंट के लिए होते हैं, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। विच पार्ट ऑफ अ वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अटैचिंग टू द होस्ट सेल? अभी जो वायरस है, जब होस्ट सेल पे अटैच होता है, ये जो वायरस है जो होस्ट सेल में अटैच होता है, वो किससे अटैच होता है? न्यूक्लिक एसिड, कैस्पिड, एनवेलप एंड स्पाइक्स। सो स्पाइक्स ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं वायरसेस में जो कि होस्ट सेल में अटैचमेंट का काम करते हैं, होस्ट सेल में अटैचमेंट का काम करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। बैक्टीरिया दैट हैव अ थिक लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन्स इन देयर सेल वॉल आर क्लासिफाइड एज। अब देखो, वो सारे के सारे बैक्टीरियाज जिनकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन्स की बनी हुई है, उनको आप कौन से ग्रुप में क्लासिफाई करोगे? ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, एसिड फास्ट एंड नॉन स्टेनिंग। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इन्हें हम कहते हैं ग्राम पॉजिटिव। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इनको हम कहेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज की जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन्स की बनी होती है एंड वी क्लासिफाई देम अंडर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट जो ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस आप देखोगे, अब वो कल्चर ऑफ बैक्टीरिया से है। सो क्वेश्चन नंबर 6। अ कल्चर मीडियम दैट अलाउज द ग्रोथ ऑफ ओनली स्पेसिफिक बैक्टीरिया इज कॉल्ड। ठीक है, एक ऐसा मीडियम जो कि स्पेसिफिक बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए अलाउ करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सेलेक्टिव मीडियम। फ्रीली, वेरी इजी, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, Next question, question number 7. Sterilization of culture media is typically done using जो sterilization process है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक फोकस्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का प्रोसेस स्टेरिलाइजेशन, उसका कल्चर मीडिया किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, मतलब उस कल्चर मीडिया को स्टेरिलाइज किस तरीके से किया जाता है. सो वी हैव फिल्ट्रेशन, वी हैव ऑटोक्लेविंग, यूवी रेडिएशन एंड फ्रीजिंग. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी ऑटोक्लेविंग. सो ऑटोक्लेविंग मेथड के थ्रू आप क्या करते हो, स्टेरिलाइजेशन करते हो कल्चर मीडिया को, जिसपे क्या होता है बाद में आप कल्चर्स क्रिएट करोगे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. अ बैक्टीरियल कल्चर Next question, question number 8. A bacterial culture grow on a solid medium is called. जब आप solid medium में bacterial culture grow करते हो तो उसे क्या कहेंगे हम, कॉलोनी बोलेंगे, प्लेग बोलेंगे, या फिर दोनों ही बोलेंगे, या फिर स्पोर बोलेंगे. तो हम इसे कहते हैं कॉलोनी, बैक्टीरियल कॉलोनी, फंगल कॉलोनी. आपने सुना होगा, पढ़ा होगा इस तरीके से. सो जब आप सॉलिड मीडियम में ग्रो करते हो सो उनको हम कहते हैं कॉलोनीज. Next question, question number 9. The purpose of streaking a bacterial culture on agar plate is to, क्यों होता है ऐसा, हम करते हैं ताकि आइसोलेट कर सके इंडिविजुअल कॉलोनीज को. ठीक है, हम फोकस करते हैं इंडिविजुअल कॉलोनीज पे और हम उसे आइसोलेट कर सके, इसी वजह से हम क्या करते हैं बैक्टीरियल कल्चर को अगार में ग्रो करते हैं, एंड इट इज द मेन इंपॉर्टेंट पर्पस. Next question, question number 10. The phase of bacterial growth where cells are dividing rapidly is called. तो इसे हम क्या कहते हैं, देखो एक तो लैग फेज होता है, एक तो लॉन्ग फेज होता है, फिर होता है स्टेशनरी फेज एंड डेथ फेज. तो आपको नाम से ही, इन फेजेस के नाम से ही समझ में आ जाएगा, वो जिसमें रैपिडली डिवाइड कर रहे हैं बैक्टीरिया उसको हम कहेंगे लॉन्ग फेज. ठीक है, लॉन्ग फेज, लॉन्ग कह रही हूँ मैं, सॉरी, लॉन्ग फेज. और जिसमें बैक्टीरियल ग्रोथ स्लो होगी उसको हम बोलेंगे लैग फेज. जब बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होगी उसे हम कहेंगे स्टेशनरी फेज. जब बैक्टीरिया की डेथ होने लग जाएगी आई गेस उसे हम कहेंगे डेथ फेज. ओके, सो दिस वाज द 10th क्वेश्चन एवरीवन. सो इन ऑल वीडियोस वी आर डिस्कसिंग 10 सैम्पल क्वेश्चंस फ्रॉम ईच टॉपिक ऑफ बायोलॉजी डिवीजन UK PSC. प्रीवियस वीडियोस देख लेना अगर आपको और MCQs चाहिए. सो डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर क्लास जो कि अवेलेबल है हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन पे. एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कोर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में है. डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर UK PSC कोर्स फॉर लास्ट मिनट प्रिपरेशन. अगर ये वीडियो अच्छी लगी सो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इन MCQs को देख के आइडिया लगा सके एंड प्रिपेयर कर सके. थैंक यू सो मच everyone for watching this video. Have a great day ahead. Take care of yourselves and see you guys in the next video with another topic.